प्राइम मिनिस्टर ने भी दोबारा एसोईस को और प्राइवेटाइजेशन को टच किया कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें पेपर पर पे तो सारी चीजें हम सुनते आ रहे हैं जो आप बातें कर रहे हैं ये हमने पहले भी इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स बिकॉज दीज आर ऑब्वियस सोल्यूशन तो इसलिए उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं लेकिन असल बात एग्जीक्यूशन की है फॉर एग्जाम्पल पी आई की प्राइवेटाइजेशन हम सुन रहे हैं आप लोगों ने भी यहाँ कहा कि अब बड़ी जल्दी उसका होगा सब कुछ कब एक कट ऑफ डेट तो आप लोगों ने रखी होगी जरा उस पर भी बता दें कि पी आई ए कब प्राइवेटाइज हो जाएगी बिकॉज उसका तो काम हुआ दूसरा मेरी मिफ्ता साहब से भी बात हो रही थी मोहम्मद जुबैर से भी बात हो रही थी जो लोग रहे हैं प्राइवेटाइजेशन फाइनेंस में उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मॉडल है प्राइवेटाइजेशन का कम अज़ कम चार सौ साठ दिन चाहिए होते हैं इफ़ एवरी थिंग गोज स्मूथली एंड लाइक टॉकवर्क तो तब भी सवा साल डेढ़ साल चाहिए होता है प्रिपरेशन करने का किसी चीज़ की प्राइवेटाइज का क्या इसमें लॉ अमेंडमेंट आप करेंगे ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्या इसमें हम सुन रहे थे कि शायद लॉ मेकिंग हो एक ये दूसरा पीआईए कब तक प्राइवेटाइज होगी उसके बाद में जरा आपसे डिस्कोस के ऊपर जानना चाहता हूं जी तो देखिए ये जो हेल्दी डोजेजिज्म है दिस इज फुली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि जैसे आपने कहा है कि वॉट एंड वाई तो सबको पता है और बड़ी देर से पता है तो लेकिन होता नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो अब देखिए ये अलीम खान साहब इज़ द प्रिविटाइजेशन मिनिस्टर लेकिन हमारी दो चीज़ें मैं आपको कहूँगा मालिक भाई एक तो ये है कि जो पीआई की प्रिविटाइजेशन है इसका टाइम फ्रेम इज़ नाउ अराउंड अराउंड द जून टाइम फ्रेम क्योंकि इसमें जो होल्ड को बनना था न्यू को वो जो कंपनीज बननी थी वो बन गई हैं नाव वी विल स्टार्ट गो टूअर्ड्स ई आई और जो जो बेड्स हैं वो इन द मे टाइम फ्रेम आ जानी चाहिए सो इट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन सो जो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई है वो मे uh, जून के टाइम फ्रेम की बात हुई है और रलीम खान साहब उसको आगे लेके चल रहे हैं नाउ हैविंग सेट दैट देखिए दैट इज़ वेर द डिफ्रेंस आर गोइंग टू इज गोइंग टू बी देअ अब जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं आई थिंक जुबैर साहब भी प्रवेटाइजेशन मिनिस्टर रह चुके हैं अगर आप देखें अगर मैं सिर्फ चूँकि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं अगर मैं पी आई की प्रोविटाइजेशन देखूँ तो अलीम खान साहब की डिपेंडेंसी है उनकी डिपेंडेंसी है ख्वाजा आसिफ साहब पे और उनकी डिपेंडेंसी है मेरे पे क्योंकि दे आर नंबर ऑफ एक्शन विच द एविएशन मिनिस्ट्री हैज़ टू डिलेवर फॉर हिम दे आर नंबर ऑफ एक्शन विच मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ टू डिलेवर फॉर हिम अगर हम डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो थ्रू द टाइम लाइन दैट ही इज इन टर्न कमिटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर अच्छा अब ये फिर बात वहां आती है कि हम होल ऑफ द गवर्नमेंट की तो बात करते हैं ये अगर हम इसको ऑपरेशनलाइज ना कर पाए तो फिर ये जो जो टाइम फ्रेम्स आ, 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 मिफ्ता भाई ने और जुबैर भाई ने कहा है वो मुझे उनकी बात समझ आती है पहली बात तो ये है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अगर आप ना काम करें तो फिगेट अबाउट द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड एवरी थिंग एल्स अगर मेरी चीज़ मेरे पास आगे कोई चीज़ पड़ी रहे अगर रूल्स ऑफ बिजनेस भी और मैं नहीं करता है एंड आई डोंट डू दैट विद सेंस ऑफ अर्जेंसी तो ये दिन लग सकते हैं नंबर वन नंबर टू ये अब एक सेपरेट वर्क स्ट्रीम बिल्कुल इस पर चल रही है उस पर भी एक जो है आप कहेंगे कि आप हर चीज़ की आप कमेटी बना देते हैं लेकिन कमेटी बनाना ज़रूरी है ना बिकॉज उसकी ओनरशिप किसी के पास होनी चाहिए तो अंडर अलीम खान साहब ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ताकि हम ये जितनी ऐसी लॉज हैं रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जहाँ जहाँ हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है और वो हम आ, मदद लेंगे इन आजम ताडर साहब से अटॉर्नी जनरल साहब से और इस पर पहली बात हो चुकी है कि ये सारे जो हमें आ, जो लॉज हैं इनको हमें आ, जो है वो 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 चेंज हमें करना पड़ेगा अदरवाइज टाइम फ्रेम ऐसे ही चलेगा तो ये दोनों चीज़ों लेकिन हैविंग सेट दैट दिस इज़ नॉट एंड और अगेन इट्स एंड एंड ये भी हम लेके चलें लॉज में भी चेंज लाएं और जो होल ऑफ गवर्नमेंट है उसको भी ऑपरेशनलाइज करें नाउ कमिंग बैक टू सॉरी मैं वो भूल गया उसका यह कहना कि ये जो बात हो रही थी ना मैं जब लीकेजेस की बात कर रहा था सिर्फ लीकेजेस की बात नहीं है आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात की है कि तकरीबन 1.7 ट्रिलियन रुपीज की पेंडिंग एफबीआर के, के केसेस हैं इन द ट्रिब्यूनल्स तो अगर मैं कहूं कि देखिए अगर इसमें से वन थर्ड भी ऐसा तो है इस पे, इस पे, जिसके आप, इस पे जल्दी फैसले आप, आप चीफ जस्टिस साहब से बात करेंगे कि वो डायरेक्ट करें कोर्ट्स को कि अच्छा अगले दो हफ्तों में या चार हफ्तों में ये केसेस निपटाएं क्या विल यू बी आस्किंग द चीफ जस्टिस साहब फॉर दिस देखिए बिफोर वी गो टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस मैंने जो आपको नंबर दिया है ना वन ट्रिलियन का दिस इज लाइंग इन द इन द ट्रिब्यूनल्स, इज नॉट हाई कोर्ट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट ये ये वो ट्रिब्यूनल्स हैं जहां एफ बी आर के अपॉइंटीज होते हैं और जुडिशियल साइड से अपॉइंटीज आते हैं आपने कोई टाइम लाइन टाइमलाइन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल जितने अगले तीन महीने में जी इनके फैसले होने हैं है। ये ये बता दिया इसमें आजम ताड साहब ने जो इसमें लीड ली है चेयरमैन एफ बी आर एंड माई सेल्फ वी आर वेरी कमेटेड कि हम जो है अगर हमें लोग अपनी साइड से चेंज करने पड़े हम उस साइड से चेंज करेंगे बट वी वॉन्ट डिसीजन्स और कैन यू इमेजिन मालिक भाई कि अगर वन थर्ड भी इसमें से uh, uh, जो है लेट्स सम लिटिगेशन इज लेस लेट्स समय सम केसेज आर रियली जेन्यून बट इवन वन थर्ड ऑफ दिस कम्स थ्रू दिस इज वेरी रीजनेबल दूसरा बड़ी बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि नाइनटी डेज के अंदर ट्रिब्यूनल फैसले करेंगे और जो मामले कोर्ट्स में हैं मैं उस अगर है पोर्शन को आप चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि वो डायरेक्ट कर दें कि भी उनको भी 90 डेज में फैसला कर लें नहीं वो वो तो देखें हम जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के के साहब पास जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ना मैं मैं इससे शुरू होता हूं मालिक भाई वॉट इज इन माई कंट्रोल और इन द कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट एंड देन वॉट आर अदर स्टेक होल्डर्स एंड वील एब्सोल्युटली गो टू होल्डर्स टू रिक्वेस्ट हेल्प एंड एंड सपोर्ट सर ये है है। हमारे कंट्रोल में उसको तो हाँ, ये मुझे कि 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 एक बिजली का मसला खुदकुशियों पर लोग उतर आए और उसमें डिस्को उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन लॉसेस हैं बिलिंग के अंदर गड़बड़े हैं सब कुछ है और आपने सोल्यूशन किया कि उनको हम प्राइवेटाइज कर देंगे गुड थिंग लेकिन प्राइवेटाइजेशन की एक पॉलिसी यह भी तो हमें चाहिए कि यह ना हो कि पब्लिक सेक्टर मनोपली के बाद प्राइवेट सेक्टर में नोपली आ जाए क्योंकि हमने एक कई के, के मामले में देखा कि वहाँ जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो मुझे याद है उस ज़माने में एक दस बिलियन कितने का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था गवर्नमेंट ने दो बिलियन लगा दिया फिर ही प्राइवेटाइज हुई और उन्होंने कहा ठीक है जी हम आ, ये सारा डेवलपमेंट करेंगे और ट्रांसमिशन उसमें काम डालेंगे उनको 10 बिलियन की कंसेशन भी दी गई लेकिन उसके बाद ना उन्होंने वो कंसेशन तो ले ली लेकिन वो डेवलपमेंट वर्क उन लाइन्स में नहीं हुआ दो बिलियन गवर्नमेंट का भी लग गया था तो अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो क्या ये पहले से ये भी चीज़ें तय हुई होंगी कि जो ख़रीदेंगे वो ट्रांसमिशन में क्या करेंगे वो फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कि सिंपली उठा के बिडर लोएस्ट बिडर को हाईएस्ट बिडर को दे दिया जाएगा राइट आई थिंक कि ये देखिए मैं तो इसमें थोड़ा सा जेनेरिक बात कर सकता हूँ जब भी आप वैस लगारी साहब से बात करेंगे उन्होंने अभी चार्ज लिया है पावर डिवीजन का ही वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू टू रिस्पॉन्ड टू दिस लेकिन मोटी मोटी बात तो ये है ना आ, मालिक भाई के वहाँ भी हमें आ, ए, एक कुछ क्विक फिक्सेस हैं कुछ जैसे आपने जिक्र किया कि जो जनरेशन है इसकी खपत कैसे करनी है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉसेस है उनको कैसे ठीक करना है डिस्कोस की उसमें प्राइवेटाइजेशन है उसमें दो चीज़ें तो हो चुकी हैं राइट right? के दो जो आ, सबसे लॉस मेकिंग है वो तो दे आर गोइंग इन इन द प्राइवेटाइजेशन राइट वे लेकिन अगर आप उसमें थेफ्ट का ही नंबर देख लें इज क्लोज टू 500 बिलियन देखिए ये जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना ये अगर आप थोड़ा सा इनको ऐड करना शुरू करें और आप यू you नो know, कहते हैं कि जो स्पेसिफिक हों टाइम दें ये चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं